The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora. इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी में हर तरफ दुखी दुख, और दुखों की कोई सीमा नहीं। हर तरफ संघर्ष है, चारों तरफ कश्ती कश्ती, चारों ओर तकलीफें, असफलता, कुंठा, निराशा। ये सब अनेक नाम है दुखों के। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। जिंदगी में एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, और जब जिंदगी में दुख आता है तो साया भी अपना साथ छोड़ देता है, अपने भी पराए। ऐसे में अपना दुख किससे कहें? कौन है जो आपका सच्चा हमदर्द है? क्या आपको कोई उम्मीद है? जी हाँ, उम्मीद की एक किरण है, एक शख्स है, और वो शख्स है जो आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए खड़ा है, और वो है विश्वविख्यात ज्योतिषों के गुरु प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। पिछले कई सालों से प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी अपने ज्योतिष के गहन अध्ययन से लाखों लोगों को उनके कष्टों से छुटकारा दिला चुके हैं। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी की एक खासियत है कि वो जो भी बात करते हैं वो गहरी शोध और लॉजिक के साथ करते हैं, ताकि लोगों में भ्रम और अंधविश्वास ना। ज्योतिष के ज्ञान को वो लोगों में बांटना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है अपना सहारा खुद बनाना। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी आज अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर देश के उन चंद ज्योतिष गुरुओं में से एक हो गए जिन पर लोगों का अटूट विश्वास है। उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां सच हुई। उन्होंने लाखों लोगों को उपाय बताए हैं, उससे उनकी जिंदगी के दुख दर्द खत्म हो गए। जाने कितने लोगों को रोजगार में, पढ़ाई, शादी में, कोर्ट कचहरियों की किल्लत, विवाह में, गरीबी में, बीमारी में, ऐसे कितने कष्टों से निजात दिलाई, और उसके लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सच्ची ताकत है ज्योतिष विद्या का ऐसा ज्ञान जो बहुत कम लोगों के पास है। ज्योतिषों के गुरु प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। नमस्कार जी, मैं शिफाली द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ का एक और नया एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सोच रहे होंगे जब भी शिफाली आती है तो ग्रहों की बात ही करती है। इंसान को जिस बात की नॉलेज होगी इंसान वही बातें करेगा ना। मुझे ग्रहों के बारे में नॉलेज है, मैं ग्रहों की बात करती हूँ। तो आज का एपिसोड भी जो है वो ग्रहों के ऊपर ही होने जा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं प्रोफेसर साहब से करना चाहती हूँ। तो आइए पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। जी स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आज जो मैं बात करूँगी आप बोलोगे कि मेरे दिल से बहुत सारे सीक्रेट निकलवाती रहती है, आज एक और सीक्रेट निकलवाने जा रही हूँ। प्रोफेसर साहब, क्या हमें पता है कि 9 ग्रह होते हैं हमारे? वैसे तो 7 ही होते हैं, 2 जो है छाया ग्रह हैं, राहु केतु। क्या राहु केतु के स्टोन पहनने चाहिए? जो गोमेद और लसुनिया होते हैं, क्या ऐसे स्टोन पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए? मेरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं प्रोफेसर साहब से करना चाहती हूँ। तो पहले एक एक क्वेश्चन करके पूछूंगी, नहीं तो प्रोफेसर साहब भी बोलेंगे ये सारे सीक्रेट एक ही बार में पूछ लेगी। तो प्रोफेसर साहब बताइए, क्या राहु केतु के स्टोन पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए? बहुत अच्छा पूछा शिपाली जी आपने। आज आपने बात की स्टोनों के ऊपर। राहु केतु छाया ग्रह है, वैसे तो 7 ग्रह हैं, राहु केतु को बीच में लगाकर 9 ग्रह, और 3 और ग्रह था नेपच्यून
और प्लूटो यूरेनियस, ये कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, 10-10 साल एक ही राशि में रहते हैं, तो इसलिए इनकी कैलकुलेशन कम करते हैं। पहले हम कम कैलकुलेशन करते हैं 9 ग्रहों के। 2 छाया ग्रह हैं, क्या 2 छाया ग्रह जो होते हैं इनको ग्रह माना जाता है? पहले तो ये बात बताओ, अगर वो छाया ग्रह ही है तो फिर उनके स्टोन पहनने चाहिए या नहीं? छाया क्या करती है? छल करती है, इसका मतलब इसके स्टोन नहीं पहनने चाहिए। लोग ज़्यादातर गुमेद को पहनते हैं, गुमेद होता है राहु का, राहु जो देता है उससे दुगना छीन लेता है। केतु, केतु क्या करता है? अगर जिसको हड्डियों की प्रॉब्लम है केतु का स्टोन पहन सकते हो, वो इसलिए क्योंकि वो गुरु का चेला है। केतु बीमारी से दूर करता है, इसलिए हम कभी कभी वो भी 100 में से 1 इंसान को कभी बोल देते हैं लुसनिया पहन सकते हो, लेकिन लुसनिया भी नहीं पहनाते मैं, राहु केतु के स्टोन नहीं पहनने चाहिए। चलो, बहुत सी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं ये शिफाली जी, बहुत से ऐसे सीक्रेट हैं जो निकालने चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। जो ओरिजिनल स्टोन होते हैं, जो ओरिजिनल बिल्कुल साफ क्लियर शीशे जैसे स्टोन होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे नीलम और पुखरास, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई घटना घटने वाली है, मान लीजिए आपके ऊपर कोई ट्रेजडी होने वाली है बहुत ज़बरदस्त, उनका कलर फेड होना शुरू हो जाएगा स्टोन का, उसके बीच में दरार आ जाएगी और वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि आपकी जो घटना थी वो स्टोन ने अपने ऊपर ले ली। ये स्टोन का ये फ़ायदा होता है, मान लीजिए कि मेरा जो शनि है भाग्येश का मालिक है, मेरे भाग्य को कोई प्रॉब्लम आने वाली है, मेरे भाग्य में अड़चने आने वाली है मान लीजिए, तो शनिदेव जैसे मैंने नीलम पहन रखा है, नीलम के बीच में दरार आनी शुरू हो जाएगी, ये टूटना शुरू हो जाता है। जब कभी मेरे भाग्य 9वें घर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद ये स्टोन बदला लेना चाहिए, ये स्टोन को कभी नहीं रखना चाहिए, टूटा हुआ स्टोन कभी नहीं पहनना चाहिए। इसलिए जो ओरिजिनल स्टोन है वही टूटते हैं, नकली कभी नहीं टूटते। तभी 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद इसको चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी घटनाएं इसने अपने ऊपर ले रखी हैं। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं किसको चेंज कर लो। कई दफ़ा मैं बहुत अच्छा स्टोन पहनाता हूँ जिसको कुछ नहीं होता, फिर भी अगर उसमें दरार आती है, टूटता है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी घटना जो आपके बुरा वक्त था उसने अपने ऊपर ले लिया। ये 7 ग्रह ही करते हैं, राहु केतु नहीं करते, बहुत ध्यान से सुनिए, ये 7 ग्रह ही करेंगे। जो आपके ऊपर घटना घटने वाली होती है, ओरिजिनल स्टोन जो 7 स्टोन होते हैं वही करेंगे। हालांकि मूंगा लकड़ होती है समुंदर की, जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है मंगल की, आपके खून की प्रॉब्लम आएगी, वो सुकड़ जाएगा। सुकड़ जाएगा क्या होगा, वो उसका कलर फेड हो जाएगा मूंगे का। इसी तरीके से मानिक, जब आपको हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली हो, जब आपको हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है, तो फिर वो क्या करेगा, जब मानिक आपने डाल रखा है तो मानिक क्या करता है, उसमें दरार आनी शुरू हो जाएगी, काफ़ी सारी दरारें आनी शुरू हो जाती हैं मानिक में, ओरिजिनल मानिक, ऐसे नहीं जो आप ग्लास फिलिंग मानिक पहन लेते हो उसमें नहीं, वो तो बैंकों के कलर किए हुए होते हैं, ओरिजिनल मानिक कोई नहीं पहनाता। मोती भी ओरिजिनल किसी के पास नहीं होता, गोल मोती ओरिजिनल होता है। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, जो मोती की ऊपरी चमड़ी होती है वो उतरनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब आपका मन परेशान आने वाला है, बहुत ज़्यादा खराब। पन्ना दिमाग का कारका, जो दिमाग आपका हमेशा ही डिस्टर्ब रहता है, अगर उसमें दरारें आ गई हैं तो आपका दिमाग पजल हो रहा है, उसको निकाल दीजिए, बिल्कुल साफ पन्ना पहनिए। क्योंकि जब भी स्टोन कोई पहनते हैं
अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो इसका ये मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम उसने अपने ऊपर ले ली। इसका मतलब वो आपको शूट कर रहा था, आपकी प्रॉब्लम उसने अपने ऊपर ले ली है, नया डालिए ताकि कोई और प्रॉब्लम ना आए। ये स्टोन, ओरिजिनल स्टोनों की बात बताता हूँ, डुप्लीकेट स्टोनों की बात नहीं बता रहा, क्योंकि डुप्लीकेट में ऐसा नहीं होता, वो ऐसे के वैसे ही रहते हैं। जो ओरिजिनल स्टोन होते हैं उसमें सात जो हमारे स्टोन हैं, जैसे कि पुखराज, पुखराज भी ऐसे हो जाता है, जैसे कि मोती वो भी ऐसे हो जाता है, जैसे कि शुक्र का उपल स्टोन आता है या डायमंड आता है, डायमंड कभी नहीं टूटता, इसलिए डायमंड मैं बहुत कम पहनाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कभी टूटता नहीं है, ना ही उसका रंग कुछ नहीं फेड होता। डायमंड क्या होता है, ये ज़्यादा वर्क नहीं करता। डायमंड का जो उपल स्टोन आता है बहुत वर्क करता है, अगर उसमें दरार आती है, अगर उसमें कोई परेशानी आती है, तो इसका ये मतलब है कि आपका शुक्र ग्रह खराब हो। फिर उसके बाद यही जो सात ग्रह होते हैं इनकी हम देखते हैं पोजीशन क्या है, उसी तरीके से स्टोन को पहनाना चाहिए कि स्टोन को चेंज करना चाहिए, लेकिन राहु और केतु के स्टोन कभी नहीं पहनने चाहिए। प्रोफेसर साहब, कई बार एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, जैसे उनकी दशा आ जाती है राहु केतु की, तो उनके स्टोन पहना देते हैं, क्या नहीं पहनने चाहिए इनके? बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए अगर कोई आपका दुश्मन है, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपका दुश्मन है वो आपके मोहल्ले का MLA बन गया, बहुत ध्यान से सुनिए, वो आपका दुश्मन आपके मोहल्ले का राज्य बन गया उसका, फिर क्या करोगे आप? उसको अपने साथ की कोठी दे दोगे कि आपको और तंग करे? ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही करते हैं, अगर कोई दुश्मन ग्रह आता है तो उसकी स्टोन पहना देते हैं कि वो छोड़ देगा, वो छोड़ नहीं देगा, वो और दुश्मनी करता है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी दशा महादशा आ जाती है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर अगर एंटी ग्रह की महादशा दशा आती है तो उसका स्टोन पहनते हो तो और ज़्यादा दुखी होते हो। 6, 8, 12 के ग्रहों के स्टोन कभी नहीं पहनना चाहिए। 6, 8, 12 घरों की जब दशा महादशा आ जाए तो अब कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर तीसरे घर की महादशा आती तो भी नहीं, अगर 11वें घर की महादशा आती तो भी नहीं। देखना चाहिए कि मार्केश घर की दशा तो नहीं चली, अगर मार्केश घर की दशा चली है तो स्टोन कभी नहीं पहनना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आप हमेशा कहते हो कि लगन के मालिक, जैसे लगन का मालिक या त्रिकोणों के मालिक ही पहनने चाहिए। प्रोफेसर साहब, जैसे आपने मुझे स्टोन पहना रखे हैं, ये पुखराज जो है आपने तीसरी बार, ये जो पुखराज है आपने तीसरी बार चेंज करवा दिया प्रोफेसर साहब, सिर्फ 5 सालों में, क्या ऐसा, क्या कौन सा राज था, आपने आज तक नहीं मुझे बताया कि आपने तीसरी बार चेंज करवा दिया इसको। शिफाली जी, ये जो पुखराज था, पहले जो पुखराज आपने पहला था उसमें दरार थी, इसलिए चेंज करवाया था। प्रोफेसर साहब, आप ही ने दिया था? हाँ, वो इसलिए दरार, जब दरार आ जाती है तो वो आपकी घटनाएं, जब उसके ऊपर, जो आपके ऊपर अभी अभी मैंने बोला, जो आपकी घटनाएं हैं, जो आपके बुरा वक्त है, वो अपने ऊपर लेता, फिर हम बोलते हैं इसको जल प्रवाहित कर दो, क्योंकि उसने अपने ऊपर आपका कष्ट ले लिया। फिर दूसरा मैंने पुखराज पहनाया, वो आपके लिए छोटा था, क्योंकि जैसी नॉलेज आपकी बढ़ रही है इसी तरीके से आपको बड़ा स्टोन की ज़रूरत थी, इसी तरीके से अब मैंने बड़ा और साफ स्टोन लाया है ताकि आपके ज्ञान के ऊपर और परेशानी ना आए, ताकि आपको पता चलता जाए कि ये जो ज्ञान होता है, गहरा ज्ञान गुरु से आता है और राहु से आता है, और गुरु का स्टोन पुखराज होता है, और आप किस्मत वाले हो जो पुखराज पहन सकते हो। जैसे कि मैं पुखराज नहीं पहन सकता, मैंने प्योर गोल्ड का छल्ला पहन रखा है। जिसको पुखराज डलता है वो नीलम नहीं डाल सकता, जिसको नीलम डलता है वो पुखराज नहीं डाल सकता। देखिए, मेरे को नीलम डलता है, मैं पुखराज नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने प्योर गोल्ड का छल्ला पहना हुआ है। और जो पुखराज डाल सकते हैं वो तो बहुत अच्छे ज्ञानी बन सकते हैं, और पुखराज बहुत अच्छा क्लियर पहनना चाहिए, इसलिए मैंने आपका पुखराज पहले जल प्रवाहित करवाया था, फिर दूसरा मैंने आपका चेंज करवाया था क्योंकि आपका छोटा था, तीसरा मैंने आपको दिया, ये आपकी उम्र के लिहाज से और ये आपके ज्ञान के लिहाज से ये आपको फिट बैठता है, इसीलिए मैंने तीसरा पुखराज आपको दिया है। क्या प्रोफेसर साहब, जो हम स्टोन पहनते हैं, क्या उनको, इनकी कितनी एज होती है कि कितने टाइम बाद इनको चेंज कर लेना चाहिए? जब कभी दरार आती है तो चाहे 6 महीने में आ जाए, चाहे 3 महीने में आ जाए, चाहे 1 हफ्ते में आ जाए, चाहे 10 साल में भी नहीं आती,
वो अपनी जब आपकी घटना अपने ऊपर लेता है तो चेंज कर लेना चाहिए। वैसे इसकी आयु होती है, जैसे कि पुखराज की आयु हम 4.5 साल बताते हैं, लेकिन 4.5 साल तक अगर पुखराज बिल्कुल आपका साफ है तो फिर बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखिए कि आपका पुखराज ख़राब हो रखा है, कलर बहुत ज़्यादा फेट हो गया, फिर इसका मतलब आपका जो आपकी घटनाएं हैं, जो आपका बुरा वक्त है, उसने अपने ऊपर ले लिया, उसको चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए और नया लीजिए। अगर कहीं आपका पुखराज बिल्कुल सही है, साफ़ है, फिर वो पहने रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, इसका ये मतलब है कि इसने आपको बचा रखा है, अभी आप सेफ हो। प्रोफेसर साहब, जो स्टोन्स होते हैं, क्या पुखराज की कोई खान वान भी होती है कि इस खान का स्टोन पहनिए तो अच्छा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी खान का स्टोन जो होता है, अलग अलग खानों का स्टोन जो होता है बढ़िया होता है। जैसे कि जम्मू का जो स्टोन निकलता है, अगर पीले रंग का जम्मू का स्टोन निकलता है तो बहुत बढ़िया, पीले रंग का जम्मू का स्टोन बहुत कम निकलता है। पीले रंग का निकल, नीले रंग का जम्मू का स्टोन आज से 50 साल पहले ही खान बंद कर दी गई थी जम्मू की। फिर उसके बाद जो स्लोन का, जो श्रीलंका का निकलता है, वो अभी तक भी निकल रहा है, वो बढ़िया होता है। फिर आंध्रा का निकलता है, फिर उसके बाद बैंकॉक का है, सफ़ेद कलर का पत्थर, अलग अलग खानों से पत्थर निकलते हैं। और सबसे बढ़िया कौन सा है, ये तो आपको पता ही है, ज़्यादातर तो स्लोन का चलता है। जम्मू का तो आजकल बंद हो रखा है, 50 साल हो चुके हैं, 60 साल खान बंद हुए को। प्रोफेसर साहब, क्या स्टोन को कैसे पहचाना जा सकता है कि स्टोन ओरिजिनल है या नकली है? क्या रेशा जाले से ही पहचाना जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी यही या जौहरी यही कहते हैं इसमें रेशा है तो ये ओरिजिनल है। बिल्कुल गलत बात है। रेशे वाला जो स्टोन होता है वो हल्का होता है, कभी नहीं पहनना चाहिए जिसमें रेशा जाला हो। जो बिल्कुल क्लियर होता है, शीशे जैसा होता है, वो महंगा स्टोन होता है, बढ़िया होता है, वही पहन सकते हो। लेकिन उसमें पहचान करनी बहुत कठिन है। जैसे कि मेरे को 25 साल हो चुके हैं स्टोनों के बीच में, आज तक तो मेरे पास भी कई दफ़ा तो मुझे भी ऐसा लगता है कि स्टोनों की पहचान नहीं है, लेकिन हम हाथ में जब स्टोन आता तो पहले से बताते हैं इस खान का है इसका, क्योंकि तजर्बा हो जाता है। इसी तरीके से जब हम कुंडली देखते हैं तो हमें कुंडली देख के तजर्बा हो जाता है कि इसकी कुंडली में ये लिखा हुआ है और ये बेचारा इसलिए भटक रहा है और इस कुंडली में ये लिखा था, इसके लिए मुझे ये उपाय देना चाहिए। इसी तरीके से स्टोनों की जो पहचान है बहुत कठिन है। आजकल चाइनीज स्टोन बनने शुरू हो चुके हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, आजकल चाइनीज स्टोन बनने शुरू हो चुके हैं। जैसे उप्पल चाइनीज आता है, पन्ना चाइनीज आता है, नीलम भी चाइनीज आने लगा, मानिक भी चाइनीज आने लगा। क्या बात है, देखिए कितना कुछ फ्रेब हो चुका है। कुंडली के भीतर अगर ओरिजिनल स्टोन जो भगवान ने बनाए हुए पत्थर हैं और इंसान के बनाए हुए पत्थर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इसलिए जो भगवान के बनाए हुए पत्थर ही पहनने चाहिए जो ओरिजिनल स्टोन होते हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो स्टोन हैं जो आपने इतने सारे पहना रखे हैं, क्या मैं इनको रात को भी पहन सकती हूँ या नहीं पहन सकती? क्या ये सिर्फ डे टाइम ही वर्क करते हैं? इनका क्या काम होता है? बिल्कुल, ये जो स्टोन जितने भी दुनिया के बनाई हुई भगवान की चीज़ें हैं, ये सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक ही काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ स्टोन पहन रखे, क्या मैं इतनी रिंगे पहन के सो सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, नींद नहीं आती। नींद नहीं है, बिल्कुल सही। इसलिए ये रात को कभी नहीं वर्क करते, ये दिन में ही वर्क करते हैं, सूर्य उदय के बीच में ही। जब रात हो जाती है तो मैं तो उतार देता हूँ भाई, आप भी उतार सकते हो। और ये इसका काम क्या होता है, ये बूस्टर की तरह काम करते हैं। जैसे किसी ग्रह की रेज अगर आप तक नहीं पहुंच रही, जैसे कि नौवां घर का मालिक आपका बुध है, मान लीजिए मैं कोई भी ग्रह का नाम ले रहा हूं, और बुध ग्रह की रेज आप तक नहीं पहुंच रही, आपका बुध बहुत कमज़ोर है और कुंडली में भाग्य का मालिक है लेकिन कमज़ोर है, तो आप उसको तीसरे हाउस में लेकर आ सकते हो, यानी कि स्टोन पहन सकते हो। स्टोन पहनने से इंसान का ग्रह तीसरे हाउस में आ जाता है, तीसरे हाउस में लेकर आ सकते हो ताकि वो नौवें घर को देखे और भाग्य उदय हो, देखिए। और उसकी रेज आप तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, कब होगी? जब सूर्य उदय होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, सूर्य की रोशनी में ही ये बूस्टर का काम करते हैं, जब अंधेरा हो जाता है तो फिर ये काम नहीं करते। इसलिए सूर्य की रोशनी में ही पहनने चाहिए। रात को इसका कोई वर्क नहीं होता, रात को उतार कर आप रख सकते हो, लेकिन जब दिन चढ़े, आप दिनचर्या की आप ऐसे कीजिए, सुबह जैसे ही उठे
जैसे ही भगवान का नाम सुबह लेते हो, नहा धो के हर इंसान भगवान का नाम लेता है। ये नहीं कि मैं भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर या किसी मंदिर में खड़े होकर भगवान का नाम लेता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे अपनी दिनचर्या बताऊँ आपको, मैं सुबह उठते पहले सैर करता हूँ, फिर अपना छोटा मोटा काम करता हूँ, काम करने के बाद जब नहाता हूँ, नहा के बाहर निकलता हूँ, सबसे पहले जब नहा के तैयार व्यार होता हूँ तो भगवान का नाम मेरे मुँह में चलता रहता है और मैं स्टोन डाल लेता हूँ बस। जब मैं घर में जाता हूँ, क्योंकि घर में जाते जाते अंधेरा हो जाता है, तो जैसे ही सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, अपनी जेब से रुमाल निकालना, रुमाल को ऐसे रखना, स्टोन सारे उतारने, घड़ी, स्टोन, पेन, ये सभी रुमाल के ऊपर रख के ऊपर की तरह बस। मैं तो ऐसे करता हूँ और सुबह जैसे ही निकलता हूँ रुमाल को ऐसे उठाता हूँ, स्टोन पहनता हूँ सभी, और ऐसे मैं ऐसे करता हूँ। अगर जैसे मैं करता हूँ, अगर आप भी ऐसे करोगे तो कामयाब हो जाओगे, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर कामयाब इंसान की नकल करोगे तो वह आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। और अगर वो क्या करता है क्या नहीं करता उसकी अगर पूरी जानकारी लोगे, अगर उसकी नकल करते हो तो कामयाब हो जाते हो। लेकिन अगर स्टोनों की बात आती है तो स्टोन आपने कौन सा पहन रखा है, नकली तो नहीं पहन रखा, ओरिजिनल पहन रखा है, उसको चेक जरूर करवाना चाहिए। लेकिन स्टोन राहु केतु का, जैसे शेफाली जी ने बोला, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, ये जैसे ही फायदा करते हैं उससे चार गुना ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। प्रोफेसर साहब, क्या हर इंसान को स्टोन पहनना चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि मैं आप सबको ये समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर किसी का लगन मजबूत नहीं है, अगर आपकी सेहत ख़राब चल रही है, अगर आप सेहत की ओर से परेशान हो, तो लगन का स्टोन डाल लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, जो लगन का मालिक होता है। अगर आपके पास धन नहीं आ रहा, अगर आपके पास औलाद नहीं हो रही, तो पंचम घर का स्टोन पहन सकते हो। मैं तीन ही स्टोन बताता हूँ, सिर्फ तीन में से एक जरूर डालना चाहिए, अगर तीनों में कोई कमी है। जैसे कि पहला, अगर आपकी सेहत ख़राब है तो सेहत के लिए स्टोन डालना चाहिए लगन का मालिक। अगर आपके घर में बच्चा नहीं हो रहा, अगर आपको अचानक धन नहीं मिल रहा, अगर आपको सुख नहीं मिल पा रहा, तो पंचम घर का मालिक डाल सकते हो। सुख इसलिए, चौथे घर का जो धन स्थान होता है वो पंचम घर होता है। अगर आपका भाग्य उदय हुआ ही नहीं पूरी ज़िंदगी, अगर आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते करते थक गए, अगर पूरी ज़िंदगी आपने कुछ नहीं कमाया, जो कमाया उड़ गया, घर तक नहीं बना पाए, पूरी लाइफ आपने जितनी कमाई की पता ही नहीं कहाँ गई, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की ताकि रोटी ही पूरी हो सकी पूरी ज़िंदगी में, तो फिर आपको भाग्य उदय का स्टोन जरूर पहनना चाहिए था, नौवें घर का मालिक। अगर आप भाग्य उदय का स्टोन पहनते हो, इससे आपका भाग्य उदय होता है। इससे क्या होता है पता है आपको, नौवां घर जाग जाता है। अगर नौवां घर जागता है तो नौवां घर पता है किसका होता है, धर्म कर्म का। इंसान धर्म कर्म के काम करना शुरू कर देता है। क्या इंसान धर्म कर्म के कारण ऐसे ही करता है, तीर्थ यात्रा ऐसे ही करता है? अगर पैसे होते तभी करता है ना। अगर इंसान के पास पैसा होता है तभी दान पुण्य करता है, तभी लंगर लगवाता है। तो नौवां घर भाग जाग जाता है। अगर नौवां घर जागता है तो पैसा आता है, तो इसलिए नौवें घर को जगाना जरूर चाहिए। जैसे कि मेरे नौवें घर का मालिक है शनि, मैंने नीलम पहन रखा है। नौवें घर को अगर शेफाली जी हम जगाते हैं तो हमारा भाग्य उदय बहुत जल्दी होता है। जैसे कि तीसरे हाउस में, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ जो सबको आपको नहीं पता, कोई भी अगर हम स्टोन डालते हैं तो हमारा वो ग्रह तीसरे हाउस में चला जाता है। तीसरा जो हाउस होता है वो हमारे आस पड़ोस का भी होता है, छोटी मोटी पढ़ाई का भी होता है। तीसरा हाउस पराक्रम का भी होता है, जोश का होता है, छोटी मोटी यात्रा का होता है। वो ग्रह भाग्य को देख रहा है सप्तम दृष्टि से। जितने भी ग्रह होते हैं इन सब की सप्तम दृष्टि जरूर होती है, जितने भी ग्रह हैं। जैसे कि सूर्य की सप्तम दृष्टि ही है, दृष्टियों के बारे में थोड़ा समझा दूं। फिर उसके बाद चंद्र की भी सप्तम दृष्टि है। फिर उसके बाद मंगल की बता दूं, मंगल की तीन दृष्टियां हैं, वैसे 4, 7, 8। इसी तरीके से हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है और तीसरे हाउस में जाकर ग्रह वर्क जरूर करता है।
प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा बताया कि राहु केतु के जो स्टोन हैं वो नहीं पहनने चाहिए, हमारे जो सात ग्रह ही हैं उनके स्टोन ही पहनने चाहिए, पुखराज नीलम जैसे कोई भी स्टोन है उनके स्टोन ही पहनने चाहिए, दशा महादशा के जो हमारी बुरे जो छाया ग्रह की दशा महादशा आती है उनके स्टोन कभी नहीं पहनने चाहते। अगर आप भी अपनी कुंडली के आधार पर देखना चाहते हैं कि कौन से स्टोन आपको डलते हैं, तो यही एक नंबर है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार। जो के आज तक विष्णु भगवान के रूप में लक्ष्मी जी को पेश किया, मैंने एक वादा भी किया था, मैंने कहा था कि इसमें जो जो मैंने धातुओं डाली है, पहले मैं आपको इसको धातुओं का थोड़ा सा वर्णन बता दूं, तब के आपको पता चले कि कौन सी धातु किसके लिए होती है। ये जो गोल्ड शुद्ध गोल्ड प्लेटर मैंने किया है, यह है सूर्य की धातु। शुद्ध गोल्ड सूर्य का होता है, मिशन गोल्ड गुरु का होता है। यह आज तक नहीं पता, किताबों में तो लिखा है गोल्ड गुरु का होता है, लेकिन गोल्ड के बारे में बताया ही नहीं गया। ये शुद्ध गोल्ड सूर्य का बताया गया है, लेकिन यह पूरी धातु ब्रास की है, पीतल की। यह पीतल जो होता है यह गुरु की धातु मानी गई है। इसमें कुछ चीजें मैंने चांदी की डाल रखी है। चांदी जो होती है लक्ष्मी का कारका होता है। इसमें मैंने जो की लगा रखी है वो कॉपर की लगा रखी है। कॉपर जो होता है मंगल का कारका होता है। वैसे मंगल सूर्य को भी कॉपर बोला जाता है, लेकिन भाई सूर्य की कॉपर धातु नहीं होती, सूर्य की शुद्ध धातु होती है 24 कैरेट सोना। लेकिन इसके ऊपर जो कॉपर के मैंने बना रखे हैं, जो कील लगा रखी है वो है मंगल की धातु। थोड़ा सा कांसे का मिश्रण किया गया है, लोहे का मिश्रण जो नीचे से, क्योंकि मैं पूरा ये चाहता था कि इसमें सभी ग्रहों की आशीर्वाद हो, सभी ग्रहों का। ये नहीं कि मैंने एक धातु से मैंने बना दिया और आपको वो चीज दे दी। इसकी पॉजिटिविटी मैं आपको साइंटिफिक रीजन से यहाँ पे बताऊंगा कि कितनी पॉजिटिविटी देती है। वो मैंने मशीनें मंगा रखी हैं, आपको पता चलेगा कि इसके में जो धातु है, जो लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है, कितना इसके में इसमें पॉजिटिविटी है। इसको घर रखने से ही पॉजिटिविटी आती है। लक्ष्मी जी हमेशा आज तक आपने बैठे हुए रूप में देखे हैं, लेकिन छैया के रूप में बिल्कुल नहीं देखे। आज मैंने जो ये रूप बनाया है, लेकिन उठने को और बैठने को वक्त लगता है। जो ये प्रतिमा रखेंगे उनके घर में लक्ष्मी का सदैव वास हो जाएगा, और मैं यही चाहता हूं कि भगवान करे आपके घर में ये वास हमेशा रहे। और जब कहते हैं ना दुख दरिद्र बीमारी ये लक्ष्मी जी से ही दूर होते हैं, कहते हैं जिस पंजाबी दी फिर कहावत मैं जरूर बोलूंगा लाहौर दी, क्योंकि मैं पीछे से लाहौर का हूं, कहते हैं जिसकी झोली दाने उनके कमले भी सियाने। पुरानी कहावत है साड़ी। इस करके जो लक्ष्मी जी का जहां पे जिसके पास पैसा होगा उस पे पास कहां दुख कहां दर्द कहां रहेगी बीमारी, सब दूर हो जाएगा। यही मैंने 15 साल की खोज आपके सामने पेश की है। धन का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित है, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महत्व अनंत है। शरीर में मौजूद सात चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा निराशा गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहे।